इवनिंग एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में, और आपको भी याद होगा कि अब ये धीरे धीरे हम लोग जो है आप चैप्टर के आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और खास करके 12th का या फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है अपने ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गया है, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप समझ लीजिए कि लगभग लगभग जो है अपने समाप्ति के दौर पे खड़ा है। दो तीन टॉपिक हैं और बचे हुए हैं, बाकी लगभग लगभग ये टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीखते हैं, और सीखेंगे आज की क्लास में वो टॉपिक होगा कि हमने, अगर याद होगा तो हमने जब कल सीख रहे थे वहाँ पे सीखे थे हम लोग प्राइमरी सेल। हमने कहा कि प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, तो कहा कि प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं कि जो सिर्फ वन डायरेक्शन में रिएक्शन करते हैं, जिनके पास रिवर्सिबल रिएक्शन करने की टेंडेंस नहीं होती है। मतलब उसको हम एक बार चार्ज कर लिए तो दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जो पढ़ते हैं। तो प्राइमरी सेल का दूसरा पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं, जो सेकेंड पोर्शन उसका सीखे थे उसको हम लोग कहते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या होता है, कहते हैं कि ऐसे सेल होते हैं जो कि जिसमें चार्जेबल होता है। प्राइमरी सेल में क्या होता है कि आइंस के फॉर्मेशन होते हैं, और इसीलिए वहाँ पे जो कोटिंग होती है वो जिंक ZnCl2 और अमोनियम क्लोराइड की होती है, और जो एनोड बना होता है वो कार्बन, और जो एनोड होता है वो जिंक की प्लेट होती है। ठीक है, जबकि कैथोड जो होता है वो कार्बन और ग्रेफाइट, यानी कार्बन का जो अपरूप ग्रेफाइट है उसका बना हुआ होता है। कार्बन के चारों तरफ जो होता है वो मैंगनीज ऑक्साइड होता है। ठीक है, जो जिंक की प्लेट होती है वो जिंक की प्लेट से जब रिडक्शन की प्रोसेस होती है, वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन चलता है रास्ते में, और रास्ते में चलने के दौरान मुलाकात होता है किससे, जिंक क्लोराइड से, और वहां से क्या मिलता है, मैग्नीज ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो जिंक से चलता है, जब जिंक से रिएक्शन करता है तो उसके बनता है और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वह MnOOH बनाता है, जहां से मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, और जहां पे प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन की होती है, और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या होता है, आयनाइज प्रोडक्ट बनता है, और उसमें कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स भी लिब्रिकेशन के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे इसकी रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करती है, और डिक्रीज होने के दौरान क्या होता है कि बाद में वो लिक्विफाइड होने लगता है और धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगता है। और यही वजह होता है कि जो बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, और जब डिस्चार्ज होने लगता है तो ऐसे कंडीशन में जो जिंक का मॉलिक्यूल्स होता है वो अमोनियम जिंकेट बना लेता है, और अमोनियम जिंकेट बनाने के कारण हुआ ल्यूब्रिकेशन होता है, और धीरे धीरे वो पल्पेबल होने लगता है। ठीक है, ये थी प्राइमरी सेल की कंसेप्ट। जब सेकंड हम आए थे प्राइमरी सेल का सेकंड पार्ट में जब पढ़े थे हम लोग मरकरी सेल, तो मरकरी सेल हम पहले बताए लेप्लांसिक सेल के बारे में, दूसरा था मरकरी सेल। मरकरी सेल जो होता है ये एक चार्जेबल बैटरी होता है, जो हम लोग घड़ी में यूज करते हैं, कैमरा में यूज करते हैं, या आपके क्या कहते हैं जो ऑडिबल डिवाइस होता है उसमें यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो जनरली जो प्राइमरी जो हम लोग क्या कहते हैं, जनरली जब हम लोग सीखे थे लैग्रैन्ज सेल में, लैग्रैन्ज सेल की जो कम्प्लेक्स होती थी उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रोनिगेटिव मॉलिक्यूल्स यानी कि आयोनाइज मॉलिक्यूल्स होते थे, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं मरकरी सेल में, तो मरकरी सेल में की एक सबसे सिस्टम होती है कि यहाँ पे जिंक अमलगम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिंक अमलगम होता है, और जिंक अमलगम जो होता है वो जनरली जो कोटिंग होती है, हमने कहा कि जो जिंक अमलगम जो नए तरह के जो डिवाइस होती है उसमें जो एनोड होता है वो जिंक मरकरी का बना होता है। ध्यान रखेंगे, जो एनोड होता है वह जिंक मरकरी का बना होता है, जबकि कैथोड जो होता है वह मर्क्यूरस ऑक्साइड यानी कि HgO, और साथ में क्या चीज़ हो HgO, और साथ में जो होते हैं वो कार्बन के मॉलिक्यूल, साथ कैथोड बनता है, और इसके जो पेस्ट की जाती है, याद रखिए प्राइमरी सेल की जब हम लोग सीखे तो वहाँ पर पेस्ट जो होता है वो ZnCl2 और NH4Cl की बनी होती है, लेकिन यहाँ की जो पेस्ट होती है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये पेस्ट आपस में मिलकर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कोई आयनाइज फॉर्म नहीं होता है, और आयनाइज फॉर्म ना होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफिंग होता है। ठीक है, ये खराब नहीं जल्दी होता है, और इसकी जो पोटेंशियल होती है 1.35 वोल्ट होती है। जो डैनियल सेल होता है उसकी पोटेंशियल 1.25 to 1.35 होता है, जबकि मरकरी सेल का जो पोटेंशियल होता है वो 1.35 होता है। तो ये कल की क्लास थी, मैंने पिछले क्लास में जो सिखाया उसकी क्लास थी, इसमें पूरी तरह से आपको रिवीजन करा दिए। ठीक है, अब चलिए इतने रिवीजन के बाद अब हम लोग सीखने चल रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन के बारे में, और जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है,
आज हम सीखेंगे इसके सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल होता क्या है, पहली बात तो ये समझ ले कि सेकेंडरी सेल होता क्या है, ठीक है। चलो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है। क्या होता है सेकेंडरी सेल, पहले ये जानेंगे कि सेकेंडरी सेल होता क्या है और फिर उसके बाद इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। देखो सेकेंडरी सेल का मतलब ये होता है कि ये सेल जो होता है वह चार्जेबल होता है, ठीक है। मतलब इसको हम चार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल कैसा सेल होता है, ये चार्जेबल सेल होता है, मतलब इसको हम लोग किसी भी कंडीशन में चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं कि ऐसे चार्ज यानी कि ऐसे सेल जिसमें हम क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे हम अगर इसमें एक डायरेक्ट करेंट पास थ्रू करते हैं, ध्यान रखेंगे द सेल विच कैन रिचार्ज बाई, ध्यान रखेंगे क्या होता है, द सेल विच कैन बी रिचार्ज बाई पासिंग अ डायरेक्ट करेंट थ्रू अ रिचार्ज बाई पासिंग अ डायरेक्ट करेंट थ्रू देम इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। तो लिख लो डिफिनेशन, लिख लो द सेल विच बी विच कैन बी द सेल विच कैन बी रिचार्ज द सेल विच कैन बी रिचार्ज द सेल विच कैन बी रिचार्ज बाई पासिंग द सेल विच कैन बी रिचार्ज बाई पासिंग अ डायरेक्ट करेंट थ्रो देम इज कॉल्ड सॉरी आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल, हो गया। लिखिए ऐसे सेल जिसको जिसमें जिसको ऐसा लिखो ऐसे सेल जिसमें धारा प्रवाहित करके पुनः उसे चार्ज किया जा सकता है यानी आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है कौमा आवेशित किया जा सकता है कौमा सेकेंडरी सेल कहलाता है कौमा सेकेंडरी सेल कहलाता है। इसे इसे रिपीटिंग एक्शन सेल भी कहा जाता है। रिपीटिंग एक्शन मतलब होता है पुनरावर्ती क्रिया सेल कहा जाता है। इसे रिपीटिंग दीज आर ऑल्सो नोन एज या दीज आर ऑल्सो नोन एज रिपीटेड सेल, ठीक है। अब देखो इसी को जो चूंकि सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि इसका यूज जो है वह अगेन एंड अगेन किया जाता है, अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कई बार यूज कर सकते हैं और इसका यूज जो है अगेन बाई अगेन अगेन बाई अगेन है। तो इसीलिए एक्शन होता है वो अगेन बाई अगेन अगेन बाई अगेन होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टोरेज सेल या एक्युमुलेटर्स बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग स्टोरेज सेल या एक्युमुलेशन कहते हैं या एक्युमुलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टोरेज सेल या एक्युमुलेटर किसे कहते हैं, कहते हैं कि ऐसा सेल जिसका यूज जो है अगेन बाई बार बार हम उसका यूज करते हैं उससे हम लोग स्टोरेज सेल या एक्युमुलेटर सेल कहते हैं। कहते हैं कि ये इसलिए कैपेबल होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाई जाती है और वो क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसके अंदर जो होता है स्ट्रॉन्ग क्या पाया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जो आगे चलकर ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में भाई, चूंकि इसके अंदर भरा होता है केमिकल तो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ध्यान रखेंगे इसके अंदर जो होता है एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो भी किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। बैटरी जब हम चार्ज करते हैं तो आपको प्रोसेस बताएंगे कि जो चार्ज होता है तो चार्ज होने के दौरान उसमें बहुत सारे आयंस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं और स्टोर होकर प्लेट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं,
है, और वो चूंकि इसमें तो पूरी केमिकल्स की कहानी होती है, H2SO4 खास करके इसमें बहुत अच्छा रोल अपनाता है। करीब करीब उसकी कंसंट्रेशन जो है एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि जो सेकेंडरी सेल होता है उस सेकेंडरी सेल में बैटरी में जो H2SO4 भरते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो वो करीब करीब 38% कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 38% एक हाईली कंसंट्रेटेड, भाई बहुत अच्छा खासा कंसंट्रेशन हो गया, क्योंकि हम लोग जो लैब में, आप जो केमिस्ट्री के लैब में जब आप H2SO4 यूज करते हो तो वो जो होता है वो 10% होता है। ठीक है, जो हम जो हमने अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल कराए हैं बच्चों से, वो जितने भी हम लोग H2SO4 बनाते थे वो सारा का सारा 10% होता था, N/10 होता था। ठीक है, कहीं कहीं पर N/10 होता था या N/50 था या आपका N/20 होता था। ठीक है, तो जितने भी हम लोग H2SO4 यूज करते थे, हम बच्चों को कराते थे, तो वहां पर जो H2SO4 यूज होता है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 10% 20% मैक्सिमम हम लोग बनाते हैं, 10 to 15, 20% अधिक से अधिक, क्योंकि 20% ज्यादा हमको बनाने में डर क्या होता है कि ये काफी, जिस जो हमारे पास जो H2SO4 होता है वो काफी कंसंट्रेटेड होता है, और उसको जलाने की जो उसकी टेंडेंसी होती है काफी हार्ड होती है। ठीक है, क्योंकि वो हाईली एसिडिक क्यों, क्योंकि उसमें 2H+ आयन है, और 2H+ आयन होने के कारण उसकी एसिडिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में, और जब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो काफी हाईली कंसंट्रेशन में काम करता है, और यही वजह होता है कि जब भी हम उसको ऐसे तरह के कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एक सबसे बड़ा एविडेंस होना चाहिए कि हाँ हम किस तरह से इसको कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। तो इसीलिए बैटरी की पानी, खास करके जो आप पढ़े होंगे क्या कहते हैं तेजाब, जो उसको कहा जाता है अपनी भाषा में, यही है जिसमें जो तेजाब आपके मार्केट में यूज किया जाता है, वो तेजाब की कंसंट्रेशन क्या होती है, जो बैटरी में यूज किया था वही पानी होता है, करीबन 30 to 35% या 38% 40% H2SO4 होता है। ठीक है, अब सोचिए कि इतनी कंसंट्रेशन के बाद अगर आपकी बॉडी पड़ता है तो बॉडी के स्किन को जला देता है। ठीक है, वो क्राइम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब से ये इस तरह के जितने भी अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह की जो कहानी होती है अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आता है, जिसमें धारा जो होता है वो शायद हमको याद आ रहा है कि 298 या कुछ इस तरह से है, 302 तो नहीं लगता है, 302 में तब लगता है कि जब पेशेंट जो है डेथ कर गया रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो IPC हम लोग पढ़ना है, तो IPC आपको नहीं पढ़ना, IPC हम लोग को पढ़ना है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद तुम लोग को IPC भी पढ़ना पड़ता है कि किस IPC के तहत जो है आप किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर डेथ कर गया तो क्या हुआ, कोई रेप का केस आ गया तो क्या होगा, ये सब चीज़ें IPC पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, बहुत सारी IPC पढ़नी है। ठीक है, 82 से लेकर, और वहाँ जब हमको याद आ रहा है कि 386 तक की भी IPC हम लोग पढ़े हैं, 502, बहुत सारे IPC पढ़ना रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने कहा कि जो सेकेंडरी सेल क्या होता है कि इसमें जो H2SO4 होता है उसका अलग कमाल होता है। अब इसमें जो हमारे पास जो सेल मिलते हैं, जिनकी सेल की फेनोमेना होती है, और जब ये प्रोसेस यानी रिएक्शन करना शुरू करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी का रेट जो होता है वह अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, अब इसको समझना हमको। देखो, पहली चीज की जो भी हमारे पास ये स्टोरेज होता है, जो केमिकल एनर्जी के रूप में होता है, ये सारे सेकेंडरी सेल जो होते हैं वह खास करके हमारे मार्केट में दो तरह के सेल मिलते हैं। देखो, है तो कई तरह के सेल, पर हमें हमारे सिलेबस में जो है उसे दो तरह के सेल पढ़ना है। एक पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं लीड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं निकल स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो एक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी सेल जो होता है इसमें कई तरह के सेल हम लोग को पढ़ना है, पर हम लोग को सिलेबस में दो तरह की सेल पढ़नी है। एक जिसको हम लोग कहते हैं लीड स्टोरेज सेल, जितने भी आपके घरों में दिखाई देता है, गाड़ियों में या घर में इन्वर्टर लगा रहता है, वहां मैक्सिमम जो होती है वह लीड स्टोरेज बैटरी दिखाई देती है। कौन सी? लीड स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी जो होता है पाया जाता है, जहां पे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर है तो वो बैटरी जो होती है वह कौन सी होती है? लीड स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक है, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, तो दो तरह की बैटरी पाई जाती है, एक जिसको हम लोग कहते हैं निकल कहते हैं, एक होता है लीड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, तो दो तरह की पढ़ना है। हम आज आपको सिखाएंगे लीड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, इनके बारे में आज हम लोग सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आप पहले हेडिंग डालो, लीड स्टोरेज बैटरी।
लीड स्टोरेज बैटरी जो हमारे घरों में कॉमर्शियल बैटरी के रूप में यूज की जाती है, जो आप घर पे जो आपके घर में इन्वर्टर लगे होते हैं वो सारे इन्वर्टर की जो बैटरी है वो यही है, लीड स्टोरेज बैटरी। डालो लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, चाहिए लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक, लीड स्टोरेज बैटरी जो है ये एक टाइप है सेकेंडरी बैटरी का। देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि ये ऐसी बैटरी होती है जिसका यूज हम लोग ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल से कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, यहाँ पे जितने भी हम यूज करने वाले बैटरी होते हैं यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए लीड स्टोरेज बैटरी जो होता है इसका यूज होता है वह ऑटोमोबाइल में यूज की जाती है। कहाँ पे यूज करती है? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा मोबाइल जो ऑटो से चलता है अपने आप चलता है उसे ऑटोमोबाइल कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऑटोमोबाइल में जितने भी गाड़ियों में यूज करने वाली जो बैटरी होती है उससे हम लोग कहते हैं ऑटोमोबाइल। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन कि सर गाड़ियों की बैटरी में और हम लोग की बैटरी में, मतलब कि जो हम लोग घरों पे यूज करते हैं उसकी बैटरी और इसके बैटरी में क्या अंतर होता है कि दोनों एक ही जैसे होते हैं? ठीक है, हम देखो लगभग लगभग दोनों जो होते हैं एक ही जैसे होते हैं, दोनों में सेम जो हमारे घर पे यूज होता है या वहां पे यूज होता है। आप देखिए होंगे अगर बैटरी आप कभी घर पे, आपके घर पे अगर गाड़ी होगी तो बैटरी जो होती है दोनों एक ही जैसे बैटरी होती है, इसीलिए हम लोग ऑटोमोबाइल इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसी बैटरी का यूज जो है हम लोग घर पे भी यूज कर लेते हैं। जब गाड़ी आप देखिए हो गया ना, भारी सी बैटरी होती है, अंदर पानी भरा गया रहता है, ठीक है, उसके अंदर प्लेट होती है, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी मिलता है जिसे हम उसको ऑटोमोबाइल बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो खास करके जितने भी हमारे पास, या आप इसी को कह सकते हो ऑटोमोबाइल, कहोगे कि सर हमारे घरवा पे कौन सी यूज होती है, हम कहने गजब हाल है तुम्हारे घरवा पर भी तो यही तरह की बैटरी यूज होती है, इसी को लिख लो हाउस होल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर अब तो समझ में आ गया ना, हाउस होल्ड इन्वर्टर में जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं यह भी कौन सी होती है? यही लीड स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक है, अब जो कोई लीड स्टोरेज बैटरी जो होती है खास करके इसमें क्या होती है कि जो सेल होती है, ठीक है, वो लीड की बनी होती है। ठीक है, और जो लीड स्टोरेज सेल होता है इसके अंदर जो होता है वो क्या पाया जाता है? लीड स्टोरेज सेल पाया जाता है, और ये जनरली जो होता है वो 6 वोल्ट का होता है या तो 12 वोल्ट का होता है, 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की इसमें सेल पाई जाती है। ठीक है, अब कहोगे कि सर 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 38 वोल्ट, नहीं ऐसा कुछ जो सेलिंग सिस्टम है, देखो अभी आपको धीरे 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 करके आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी नॉलेज होते हैं वो आपके फिजिक्स वाले टीचर अच्छे देते हैं क्योंकि उन लोगों को ये सब चीज़ों पर रिसर्च किया रहता है। हम लोग क्या है, हम लोग रिएक्शन बता सकते हैं, पर उनकी पूरी फंक्शन कैसे काम करता है ये आपके फिजिक्स के टीचर जो होते हैं वो अच्छे तरीके से बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है वह दोनों के कनेक्शन को जोड़ता है, मतलब कि सीरी क्या कहते हैं फिजिक्स को और केमिस्ट्री को जोड़ने वाला सब, अगर टॉपिक देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब दोनों के कनेक्टिंग लिंक होते हैं। सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट के भी वो पोर्सन, सेकेंड पोर्सन जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसको, सेमी कंडक्टर, वहाँ पर भी हम लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री को जोड़ने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो खास करके जो होता है वो जनरली 6 वोल्ट और 12 वोल्ट का होता है, कहीं कहीं पर इससे अधिक वोल्ट के भी होते हैं। ये जितने भी सेल होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। देखो सीरीज कम्बिनेशन के साथ ये तैयार की जाती है। लीड स्टोरेज जो होती है वो गैल्वेनिक सेल होती है और उसमें एनोड की ग्रिड बनी होती है और एक तरफ क्या होती है? कैथोड की ग्रिड बनी होती है। ठीक है, तो एक तरफ इसमें क्या होता है? एनोड होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, देखो इस तरह की जो होती है सेल की स्ट्रक्चर होती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक तरफ जो होती है वो एक एनोड की ग्रिड होती है और एक क्या होती है? कैथोड की ग्रिड होती है। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं सारे ग्रिड जो होते हैं एक दूसरे से सीरीज कंबिनेशन में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे ग्रिड जो होते हैं वह किसमें जुड़े रहते हैं? सीरीज कंबिनेशन जुड़े रहते हैं। कितना? 1 2 3 4 5, चलो हम 6 बैटरी बना देते हैं, ग्रिड 6 ग्रिड बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह आपके 6 ग्रिड अलग अलग हो गए।
ठीक है। और आपको ध्यान में होगा कि जितने 6 ग्रिड होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पे ये आकर ये बाहर निकलता है और ये निगेटिव चार्ज है जिसको हम लोग कहते हैं एनोड। आप देखोगे कि बैटरी में यहाँ पर या तो ब्लैक या ब्लू कलर लगा दी जाती है, कैप, ब्लैक कैप या ब्लू कैप लगा दी जाती है, ठीक है। उसी तरह से इसमें जो होता है, अब इसके बीच में ध्यान रखेंगे इसके दूसरे पार्ट कनेक्टेड पार्ट को जो ऐसे अटैच की जाती है, दोनों कॉम्बिनेशन जो ऐसे अटैच की जाती है, यहाँ पे जो होते हैं वह आपके इसके बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक तरफ एक दो तीन चार पांच और इधर एक तरफ बना दीजिए, ये हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, अब ये जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से जो होते हैं वह आपके कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इनके कनेक्शन जो होती है एक दूसरे से आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है एक तरफ आपका पॉजिटिव होता है जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो बैटरी की जो बनावट होती है इस तरह से होती है, एक तरफ जो होता है आपका एनोड होता है और दूसरे तरफ जो होता है आपका कैथोड होता है, ठीक है। अब इस तरह की इसकी बैटरी की जो होती है वो जनरल स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें एक प्लेट जिसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट और एक प्लेट जो होती है जो आपका नेगेटिव प्लेट होता है, ठीक है। तो एक प्लेट आपका पॉजिटिव प्लेट और दूसरा प्लेट जो होता है वो आपका नेगेटिव प्लेट होता है। ध्यान रखेंगे पॉजिटिव प्लेट जो कैथोड होता है वो जो होता है लीड का बना होता है, लीड ग्रिड होता है जिसमें लीड ऑक्साइड भरा गया रहता है, और नेगेटिव प्लेट जो कि एनोड होता है वह लीड ग्रिड पैक विद द स्पॉन्जी लीड। ध्यान रखेंगे लीड में दोनों तरह की, दोनों जो होता है वह लीड का ही बना होता है, लेकिन एक में जो होता है वह एक स्पॉन्जी लीड होता है और दूसरा जो होता है वह लीड आपका क्या होता है, लीड ऑक्साइड होता है। हमने पहले भी कहा कि सारा का सारा निकल लीड स्टोरेज सेल है, इसमें कैनोड और कैथोड दोनों लीड का ही बना होता है, ठीक है। लेकिन एक में जो लीड होता है वो वहां पर स्पॉन्जी लीड्स होते हैं और एक में जो होता है वो लीड ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो दोनों की लीड जो है स्पॉन्जी लीड और लीड ऑक्साइड दोनों अलग अलग है। लीड स्पॉन्जी लीड का मतलब क्या हुआ, तो प्योर लीड है, ठीक है। स्पॉन्जी लीड का मतलब हो गया कि ये प्योर लीड है, और लीड ऑक्साइड एक जो हो गया वो आपका लीड ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव प्लेट होते हैं जो कैथोड के रूप में काम करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट होते हैं जो कैथोड के रूप में काम करते हैं वो कैसे होते हैं, काम करते हैं बड़े वाले को यहां दिखाते हैं इसको, ये हमारा प्लेट हो गया, ये आपका हो गया कैथोड, और इधर की तरफ हम क्या कहते हैं एनोड। आप कहोगे सर क्यों, हमने पहले भी बताया शुरू से ही कंसेप्ट सिखा रहे हैं, हाँ प्योर लीड होता है शर्मा जी, ठीक है। मैंने शुरू में सिखाया था कि जो बैटरी में हम जब भी पढ़ते हैं तो राइट साइड में हम राइट साइड पर हमेशा कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे और लेफ्ट साइड में जो होगा वो हमेशा एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जब स्टेटर हम रिएक्शन पोटेंशियल देखते हैं तो राइट साइड की कैथोड और लेफ्ट साइड एनोड, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट होती है। इसीलिए हम इधर की तरफ क्या दिखा दिए कैथोड, उधर की तरफ हम दिखा दिए एनोड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने सीखा कि एक सेल मेरे पास ये है, ठीक है, ये सेल आपके अलग, चूंकि हमारे पास अलग कलर के चौक नहीं दिख रहा इस समय, इसीलिए हम दोनों को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, ये कलर चौक दिख नहीं रहा। अब देखिए तो ये जो प्लेट मेरे पास है, अब देखो एग्जाम के क्वेश्चन यहीं पर है कि जो पॉजिटिव प्लेट किसके बने होते हैं और नेगेटिव प्लेट किसके बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट किसके बने होते हैं और ये जो नेगेटिव प्लेट है किसके बने होते हैं। पॉजिटिव प्लेट जो है वो क्या करता है, एज अ कैथोड के रूप में काम करता है, और जो कैथोड होता है दर्शकार समझिएगा ये भी लीड ग्रिड होते हैं, ग्रिड
कोटेड विद लीड ऑक्साइड, ठीक है। तो जो कैथोड होता है वो जो होता है वो, अब याद कि सर किसमें कैथोड होता है और किसमें एनोड होता है, ठीक है। अब तो बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज हो जाएगी ना कि याद कैसे करेंगे कि किसमें लीड ऑक्साइड होता है और किसमें लीड ऑक्साइड नहीं होता है। तो याद रखने के तरीका हम आपको बता रहे हैं, देखो ये क्या है कि लीड ऑक्साइड कोटेड विद क्या है किसका प्लेट, पॉजिटिव का प्लेट है, ठीक है। और इसमें होता है क्या है, रिडक्शन, और है क्या ये कैथोड, ठीक है। तो या तो आप उसको याद करने के लिए तो रट जाओ कि हाँ कैथोड पे जो होता है वह लीड की ऑक्साइड होती है, लीड ऑक्साइड जो होता है वह कोटेड होता है, और ये जो होता है राइट साइड में होता है, ठीक है। या तो आपको उसको निमोनिक से याद करने के लिए अगर आप ढूंढोगे तो निमोनिक बड़ा आसान तो होता नहीं है, तो आप याद कर लो क्या ओपीवाई, ओपी ऑक्सीजन जहां होता है वह आपका पॉजिटिव होता है। पढ़े हो ना ओपी, हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते थे जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो वहां पे मेरे टीचर थे जिनका नाम था ओम प्रकाश सिंह, ओपी सिंह जेआरएस में पढ़ाते थे, तो उनसे हम लोग उन्हीं से अपना निमोनो ही अपना निमोनिक देकर हम लोग जाते थे, चलो ओपी सर जो है थोड़ा से मोटे भी हैं भारी हैं और आके ऐसे लेट जाते हैं, तो चलो उन्हीं से याद कर लिए कि ओ फॉर ऑक्सीजन और पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव जो होता है वो ऑक्सीजन की लीड पाई जाती है, ठीक है। ये हम लोग का तरीका था, अब पता नहीं आप लोग जिस तरीके से उसको याद करें वो बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं इसको, ठीक है। अब जो निगेटिव प्लेट होता, अब जो हमारे पास ये मिला ये किसके प्लेट है, ये सारे के सारे जो है वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जो नेगेटिव प्लेट होते हैं जो एनोड के रूप में काम करते हैं, वो लीड ग्रेड होते हैं और पैक होते हैं किससे, एस्पॉन्जेट से, ठीक है। तो ये जो आपका नेगेटिव प्लेट होते हैं, नेगेटिव प्लेट जो होता है, ठीक है, जो आपका किस तरह से काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, और ये लीड ग्रेड होता है, किस तरह लीड ग्रेड्स होते हैं और किससे पैक होता है, ये पैक विथ विथ एस्पॉन्जीलेट, ठीक है। एस्पॉन्जीलेट का मतलब हुआ कि इसमें जो है बाहर तरफ से किस तरह से बाहरी कोई कोटिंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक बेसिक चीज है तो आपको समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन करते हो कि सर बॉक्सा में जब हम लोग बॉक्स देखते हैं बैटरी का, तो बैटरी में तो जो है वो आपकी एक तरफ से भाई दो प्लेट होती है, एक प्लेट लीड की बनी है, एक प्लेट लीड ऑक्साइड की बनी है, ठीक है। लीड प्लेट मैंने है लीड का ही, एक ऊपर लीड ऑक्साइड की कोटिंग होती है और एक नॉर्मल एक्सपॉन्जी लीड है, ठीक है। अब बॉक्स में क्या होती है कि जो डब्बे खंभे खंभे टाइप के डब्बे होते हैं उसमें जो होते हैं लिक्विड भरे रहते हैं, ठीक है। अब वो जो लिक्विड होते हैं इसके अंदर जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड जो होता है आपका क्या होती है H2SO4 होता है। ये क्या होता है H2SO4 होता है। बच्चा एक दिन पूछा कि सर ये H2SO4 क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है कि नहीं बेटा, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं होता है, ये डाइल्यूटेड H2SO4 होता है, ठीक है। और ये डाइल्यूटेड कितना H2SO4 होता है, 38% डाइल्यूटेड होता है, कितना 38% डाइल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये है आपकी बेसिक कंसेप्ट, ध्यान रखेंगे ये क्या है आपके बेसिक कंसेप्ट है कि किस तरह से स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनते हैं, बनने के बाद इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और बनने इनकी पहली बनावट कैसी होती है। क्योंकि हमें अगर बनावट पता है तो हम क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से, सर दिल क्यों होता है, मतलब कौन सी दिल की बात कर रहे हैं शर्मा जी, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके स्ट्रक्चर के आधार पे तो हम पहले बनावट देख ली। अब देखो DIL, अच्छा ये दिल की बात की है, ये दिल फॉर है डाइल्यूटेड, ठीक है। डाइल्यूटेड का मतलब होता है घुला हुआ, ठीक है। डाइल्यूटेड जो होता है डाइल्यूटेड H2SO4 चूंकि घुला हुआ है ना, डाइल्यूट यूज नहीं करता है, डाइल्यूट जो होता है वो प्रेजेंट टर्म का, प्रेजेंट टेंस का पार्ट होता है, और उसे हम डाइल्यूटेड बोलते हैं, मतलब वो घुला हुआ है, घुला जा चुका है, ठीक है। 38% का मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम वाटर में 38 ग्राम H2SO4 यूज किया गया, ठीक है। 100 ग्राम में 38 ग्राम H2SO4 यूज किया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं 38% डाइल्यूटेड, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हमको समझ में आ गया, अब यहां से हम आगे कैसे बढ़ते हैं। तो हमने एक बार बच्चा एक बार क्वेश्चन तो था, अब देखिए इस क्वेश्चन को जो H2SO4 हम यूज करते हैं, इसका क्वेश्चन जो था एक बार बीएचयू ने पूछा था, इस सेकेंडरी बीएचयू बीएससी का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बीएचयू बीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि जो सेकेंडरी सेल में जो हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं उसकी डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि बीएचयू का क्वेश्चन है।
तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है? तो डेंसिटी याद रखिएगा कि 1.3 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो ग्राम पर 1.3 ग्राम पर ml इसको होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पूछे हुए हैं, तो कभी भी क्वेश्चंस जो है वो जब एग्जाम में आ जाते हैं तो हम लोगों को दोबारा याद दिलाना पड़ता है बच्चों को कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें जो हम रिप्रेजेंटेशन से होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहा कि एक तरफ जो एनोड है वो क्या होगा, जो एनोड है एनोड में क्या होता है, एस्पॉन्जी लीड होता है। एनोड में क्या होता है, एस्पॉन्जी लीड होता है, और एस्पॉन्जी लीड में मतलब उसकी कोटिंग जो होती है वो एस्पॉन्जी होती है, और इसके अंदर जो होता है पाया है PbSO4 लीड सल्फेट। लीड और लीड के साथ क्या हुआ, लीड सल्फेट, ये जो होता है आपका सॉलिड स्टेट में और पाया किसने किया, एनोड में, ठीक है। तो एनोड पे क्या हुआ, लीड, और लीड जो है उसके ऊपर जो लीड सल्फेट की जो होती है उसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, लीड की, इसे हम स्पॉन्जी लीड कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम आते हैं, अब ध्यान रखेंगे इसके अंदर जो होता है वो H2SO4 घुला हुआ रहता है। क्या होता है, इस दोनों के बीच में H2SO4 होता है, वो भी कैसा होता है, ध्यान रखेंगे वो डाइल्यूटेड H2SO4 होता है, ठीक है। और जो डाइल्यूटेड H2SO4 होता है वो कितना परसेंट होता है, 38% डाइल्यूशन के साथ काम करता है। अब इसके बाद आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लीड की दूसरी लेयर होती है, और इसमें क्या पाई जाती है, लीड ऑक्साइड, क्या पाई जाती है, लीड ऑक्साइड। और जो लीड ऑक्साइड होती है वो किसके तरह काम करती है, कैथोड। देखो ये है सीरियल ऑर्डर, और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी एक बार नीट के क्वेश्चन में, नीट के क्वेश्चन में चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन नहीं पूछा है, ऑर्डर पूछा है। अभी हम जो बताने जा रहे हैं ना ये सीरियल पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। कंपिटेटिव एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को भी देख चुके हैं कि व्हाट इज द सीरियल ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर रिएक्शन, सीरियल पूछा गया है कि किसको अरेंज करना, और इसी में क्या करता है, ये देखो दिख रहा है ना, लीड, लीड सल्फेट, H2SO4, लीड ऑक्साइड, लीड। मतलब याद करने का तरीका सिंपल से शुरू करना है, लीड से शुरू करना है, लीड पर खत्म करना है, ठीक है। सीरियल पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो लीड से शुरू करना है और लीड पर खत्म करना है। पहला देखो चार ऑप्शन पूछेगा, चार ऑप्शन में सल्फर के बारे में भेजता है, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन हमने जो देखा है उसमें देखा था कि SO4 को शुरू किया, शुरू में लास्ट में कर दिया, तो जहां आपको शुरू करना है लीड से और खत्म करना है लीड से, पहला ऑप्शन आपको ऐसा सेलेक्ट करना है। दूसरे सेलेक्ट में लीड जो होता है वो H2SO4 के साथ मिलता है, और आपको पता है कि कुछ नहीं याद आए, कुछ नहीं याद आए, सिंपल तरीका आपको हम बताते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कैथोड राइट साइड में होता है, तो लास्ट में कैथोड आएगा, इतना तो पता है आपको, ठीक है। और आपको भी पता है कि जब लीड हमारे पास जब कैथोड की प्लेट आती है, और कैथोड में क्या हुआ था, हमने कहा था ना, याद कर लेना ओपी, ठीक है। जहां पर ऑक्सीजन के साथ अगर कैथोड आ गया, यहां पर पीवी ऑक्साइड आएगा, अब पीवी ऑक्साइड आएगा तो उस तरह से हम आसानी से इसको छांट लेंगे, तो लास्ट में क्या होगा, लीड ऑक्साइड के साथ लीड काम करेगा, और यहाँ लीड के साथ लीड सल्फेट काम करता है, और जो दोनों के बीच में क्या भरा रहता है, H2SO4 भरा रहता है, यही है बेस। अब देखो जो लीड स्टोरेज होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम जो बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है, एग्जाम में ध्यान रखना। कहते हैं कि जो लीड की पोटेंशियल होती है, जो स्टोरेज होती है, ठीक है, प्रत्येक सेल का वो 2 वोल्ट की होती है, कितनी होती है, 2 वोल्ट की होती है। यही डिसाइड करता है कि बैटरी कितनी वोल्ट की है। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे जो 6 माने कि 12 हम सेल यूज किए हैं, इसका मतलब कि जो 12 सेल यूज किए हैं, ठीक है, तो 12 सेल को हम EMF यूज किए हैं, तो इसका मतलब एक बैटरी कितने वोल्ट का हो गया, 24 वोल्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम का कि जो EMF हम यूज करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इच सेल का, वो होता है 2 वोल्ट प्रत्येक सेल, ठीक है। अगर आप देखोगे ना कि जो बैटरी हम यूज करते हैं, आप घरों में देखोगे कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है, हाउ टू डिसाइड कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट 36 वोल्ट कैसे यूज करते हैं, तो इसका तरीका यही होता है कि जो जितने भी ग्रिड लगे रहते हैं, प्रत्येक ग्रिड जो होते हैं वह 2 वोल्ट के होते हैं। अगर उसमें 6 ग्रिड लगा है इसका मतलब वो 12 वोल्ट का है, अगर उसमें 12 ग्रिड लगा है इसका मतलब वो 24 वोल्ट का, अगर वो 18 ग्रिड लगा था इसका मतलब वो 36 वोल्ट का है, ठीक है। तो प्रत्येक जो ग्रिड होते हैं वो 2 वोल्ट को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखेंगे सेल पोटेंशियल ऑफ लीड स्टोरेज सेल इज 2 वोल्ट, सेल पोटेंशियल ऑफ क्या याद रखेंगे, द सेल पोटेंशियल ऑफ लीड स्टोरेज सेल
द सेल पोटेंशियल ऑफ लीड स्टोरेज सेल इज कितना, 2। ठीक है, तो 2 वोल्ट जो होते हैं वो लीड से स्टोरेज होते हैं। अब देखो, अब हमेशा जो होता है, अब मान लीजिए कि हमारे पास अलग अलग तरह के जो रीड स्टिक हम लोग यूज करते हैं, अब क्या होता है कि जो एनोड और कैथोड की जब हम प्लेट, यानी कि जो हम ध्यान रखेंगे, जो एनोड और कैथोड का होता है, जो हम लोग ग्रिड यूज कर रहे हैं ना, जो भी ग्रिड, ये सारा का सारा जो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यूज करते हैं, खास करके उसमें हम लोग जो होते हैं ग्रिड शब्द का यूज करते हैं। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वह अब धीरे धीरे क्या करते हैं कि इसमें जो कंटेनर होता है ना, ठीक है, अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर क्या ये जितने भी ग्रिड लगे रहते हैं, ये ग्रिड क्या ये ग्रिड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? नहीं, इस ग्रिड जो है वह जो होता है वह एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। इस कनेक्शन को हम तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि हम इसमें बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। गौर समझिएगा, ये कैथोड और एनोड की जो प्लेट होती है, जो लीड और लीड ऑक्साइड की जो प्लेट होती है, इस प्लेट के बीच में एक हम इंसुलेटर मटेरियल लगाते हैं। देखेंगे, अगर आप कभी बैटरी की दुकान पर जाइएगा तो आपको दिखाई देगा, दो प्लेट के बीच में एक के जो है वो आपका जो कुल्फी, देखें कुल्फी जो एलोइस कलर की कुल्फी नहीं आती है, ठीक है, उस कलर का क्या होता है कि दो ग्रेडों के बीच में एक प्लेट लगा देते हैं। क्यों? ताकि वह जो होता है वो बीच में मेडिएटर का काम करता है, उसी को हम लोग सेपरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेटर बोलते हैं। और ये सेपरेटर जो होता है वो लीड को, कैथोड और एनोड के प्लेट को सेपरेट करता है। तो इसके बीच में क्या लगाते हैं हम लोग? सेपरेटर लगाते हैं। सेपरेटर लगाने से क्या होगा कि जो रिएक्शन होती है वो रिएक्टिविटी की वजह से, मान लीजिए कैथोड एनोड अगर आपस में हो गया, कभी मेल्ट कर गया तो वो चिपक सकता है, चिपकेगा तो वो खराब हो सकता है। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि हम लोग बीच में सेपरेटर लगा देते हैं। और ये सेपरेटर लगाने का देखिए क्या फायदा होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब नहीं समझ में आया, कौन सी मटेरियल बोल रहे हैं आप? तो इसमें क्या हुआ कि इनके बीच में जो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेट यूज करते हैं वह आपका इंसुलेटर मटेरियल होता है। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि न तो ये रिएक्शन के दौरान कंडक्टिंग नहीं होती है, इंसल्टिंग होता है, ठीक है, इंसल्ट हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर ही हम इंसुलेटर लगा देते हैं, जिसको हम लोग सेपरेटर होता है, और उसको क्या करते हैं, इंसुलेटर होने से कैथोड और एनोड का प्लेट आराम से क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है आपको बता रहे हैं, जब हम लोग, इसका बेनिफिट ये होता है जो इंसुलेटर हम लोग इंसल्टिंग करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर सपोज करो कि बीच का एक सेल खराब हो गया, ठीक है, तो एक सेल अगर खराब हो गया ना तो बाकी सारे सेल काम करेंगे। ये बड़ा अच्छा बेनिफिट देता है। कभी कभी देखे होंगे कि बैटरी का एक सेल खराब हो गया, दूसरा सेल भी आराम से काम कर लेता है। तो ये एक इंसुलेटर होता है बेटा। इंसुलेटर का मतलब होता है कि जिसके अंदर कंडक्टिविटी की टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर दो शब्द अलग अलग होता है। जिसके अंदर कंडक्टिंग करने की कैपेबिलिटी होती है उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिसके अंदर कंडक्टिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है उससे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, और जिसमें दोनों टेंडेंसी होते हैं वो सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कंडक्टिंग और इंसुलेटर के बीच में हम क्या करते हैं, प्लेट लगा दिए। अब प्लेट लगाने के बाद इसमें रिएक्शन कैसी होती है, अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब इसकी जो PbSO4 की रिएक्शन कैसे होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन जो है आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब कैसे काम करता है देखो, पहले क्या होता है कि जो H2SO4 है वो टूटता है 2H+ और SO4 2- में। क्या टूटता है? 2H+ और SO4 2- में। ठीक है, अब जो लीड सल्फेट यहां से टूटा तो बनता कैसे है, क्योंकि लीड है जो सल्फर में, यहां से SO4 2- इसके साथ आता है और रिएक्शन करता है। ठीक है, और SO4 2- जो टूटता है वो किसमें होता है आपका, एक्वस में होता है। ठीक है, तो यहां से क्या बनाएगा, लीड सल्फेट बनाएगा। ठीक है, 2H+ यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिबरेट होगा तो क्या बनाएगा, PbSO4 लीड सल्फेट बनाएगा यहां पे। ठीक है, और लीड सल्फेट जो होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहां पे किस स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में। ये स्टार्टिंग है कहां का, हमने रिएक्शन अभी लिखा था, एक मिनट फिर से रिएक्शन लिख देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएगा। क्या था,
हमने कहा कि सबसे पहले लीड होगा, फिर उसके बाद जो होता है लीड सल्फेट होता है, फिर आपका H2SO4 होता है, फिर उसके बाद जो होता है लीड ऑक्साइड होता है, और लास्ट में लीड होता है। यही रिएक्शन था। तो हमने कहा लीड जो है वो लीड सल्फेट से यहाँ पर रिएक्शन किया और बना लिया क्या, लीड सल्फेट। ठीक है, अब जो लीड सल्फेट हमारे पास, अब आती है बात किसकी, लीड ऑक्साइड की। अब ये जो लीड ऑक्साइड है PbO2 है, ठीक है। अब जो PbO2 है, अब आता है किसके साथ, क्योंकि ये प्लेट जो होती है वो आपके कैथोड की तरह काम करता है, तो यहाँ पे क्या मिला, ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब इसके साथ SO4- अगर आता है, ठीक है, SO4- आता है, माइनस लेवल पे 2- में होगा, ठीक है, एक्वस में। और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है, और साथ में काम करता है 4H+। अब क्वेश्चन करोगे कि सर ये 4H+ कहाँ से आया, देखो H2SO4 का 2H+ यहाँ से और 2H+ यहाँ से, कितना हो गया 4H+, ठीक है। अब आप कहोगे कि देखो ऐसा अगर आप 4H नहीं लिखना चाहते हो तो छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है क्या चीज है, लीड सल्फेट PbSO4 और प्लस 2H2O, ठीक है। अब देखो अगर आपको याद होगा तो हमने सिखाया था आपको, सीखी पता नहीं याद है कि नहीं, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल वहां पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग आयन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं, और कहते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करते समय हम देखेंगे कि कितना इसमें, अगर जहां हमारे पास H2O की संख्या, जो H+ आयन बैलेंस करना होता है, तो H+ आयन की संख्या जितने H2O की संख्या होती है उसमें से पाए जाने वाले सारे H+ आयन को उसके अपोजिट संख्या में जोड़ देते हैं। ये आप सीखेंगे कहाँ, रिडॉक्स रिएक्शन में। दो तरह से रिएक्शन बैलेंस करते हैं, एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड और एक होता है आयन मेथड, ठीक है। तो आयन मेथड में ये मेथड आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर कितने H2O हो रहे हैं, 2H2O बन रहा है, तो 2 × 4H+, यानी कि यहाँ पे हो गया 4H+, ठीक है। अब इस रिएक्शन को क्या करो, आपस में जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो कुछ चीजें जो होगी वो कट जाएंगी, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना खत्म हो गया, तो क्या बन गया, लीड सल्फर में लीड क्या ऑक्साइड, ये क्या हो गया सॉलिड में लीड प्लस लीड सल्फेट। कितने H2SO4 है भाई, HSO4 मतलब कितने, 2SO4 2- और प्लस में 4H+ आयन, यहां से क्या मिलेगा, लीड सल्फेट SO4 सॉलिड में, यहां से एक लीड सल्फेट यहां पर और एक लीड सल्फेट यहां पे, तो कितने लीड सल्फेट, 2 लीड सल्फेट हो गया, ठीक है। आपको दिखता है कि नहीं, ठीक है, तो यहां पर हो गया 2 लीड सल्फेट और आपका क्या चीज, प्लस 2H, ये है आपका चार्जिंग रिएक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, चार्जिंग रिएक्शन। और यही है, यही प्रोसेस जो है इसमें प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे इसका मतलब, ये इतने बड़े अच्छा हम रिएक्शन लिखे हैं, इसका क्या मतलब है, और समझिए। एक तो बात हमको समझ में आ गया कि चार्जिंग के दौरान हमें यूज किसकी करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई चार्जिंग के दौरान जो होता है ओवरऑल रिएक्शन जो हम लोग दिखाते हैं वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रही है। मतलब कि डिस्चार्जिंग के समय में क्या होगा कि जितना सल्फ्यूरिक एसिड जो धीरे धीरे लेवल उसका घटना जाएगा, जिस भाई यहां पे जो H2SO4 यूज किए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, डिस्चार्जिंग के समय में मतलब कि यहां पे तो सिलिकॉन इंडिकेटर है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम लोग सीख रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन हम सीख रहे हैं, तो पहले इंडिकेटर है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रोल काफी ज्यादा है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगा, मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब कि डिस्चार्ज होगा। मतलब H2SO4 का ही देन है कि बैटरी चार्ज हो रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन कहें कि अगर H2SO4 के देन से बैटरी चार्ज हो रहा है तो उसी के देन से डिस्चार्ज भी होगा, कंसंट्रेशन उसकी जो होगी वो चेंज होगी। तो ऐसे ऐसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगा बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होगा, मतलब ये करंट का विड्रॉल जो होगा, करंट जो हमारे पास निकलना शुरू करेगा, ड्रॉन होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड का, जितना सल्फ्यूरिक एसिड की, ध्यान रखेंगे जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की डायल्यूशन डिक्रीज करेगा,
डाइल्यूशन जितना डिक्रीज करेगा वैसे वैसे एच प्लस आइन बाहर निकलेंगे, और जितना एच प्लस आइन निकलेगा डाइल्यूशन उसकी बढ़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप, इस चीज को कभी आप जब आप बैटरी आपके घर पे होगा तो आप देखिएगा जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी भरते हैं, ठीक है, जो H2SO4 भरते हैं भर देते हैं, पर जब वो बैटरी एक बार चार्ज होकर जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसकी पानी की लेवल क्या होती है घट गई रहती है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिविटी करने के बाद उसमें से एच प्लस आयन जो होता है वो निकलना शुरू करता है, तो जितना एच प्लस आयन मतलब निकलेगा उसकी डाइल्यूशन एक्टिविटी क्या करती है बढ़ती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करती है, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करती है यानी कि ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वहां से लीड सल्फेट बनाते हैं। ध्यान रखेंगे क्या बनाते हैं, लीड सल्फेट बनाते हैं, और उसके कारण क्या होती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो गिर कर कितना हो जाती है 1.2 ग्राम पर एमएल हो जाती है। ये क्वेश्चन है एग्जाम का कि चार्जिंग से पहले सल्फ्यूरिक एसिड की जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो ध्यान रखेंगे चार्जिंग से पहले सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और चार्जिंग के बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दोनों अलग हो जाती है, ठीक है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड की चार्जिंग से पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 ग्राम पर एमएल होती है, पर चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग के समय इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 हो जाती है। क्यों? क्योंकि H2SO4 जो था पहले जो था वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में H+ आयन के साथ काम करता था, जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होने लगा वो अपना क्या किससे बनाने लगा लीड सल्फेट बनाने लगा, क्या बनने लगता है यहाँ पर लीड सल्फेट बनाने लगता है, और लीड सल्फेट बनाने के चक्कर में क्या होती है उसकी H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने लगती है, जिसके चलते क्या होता है ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिक्रीज कर जाती है, और इस इतना ही नहीं इससे काफी नीचे 1.2 के नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड जो हो लीड सल्फेट में कन्वर्ट होने लगता है, और यहीं सेल रिएक्शन आगे चलकर हम लोग डिस्चार्जिंग सेल रिएक्शन करते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिस्चार्जिंग सेल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ द सेल रिएक्शन और डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम चार्ज सेल को डिस्चार्ज कैसे करते हैं और सेल को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितने कॉम्प्लेक्स को एक एक करके हम लोग सीखे कि इसमें इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है और इसका फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। यहां तक हम लोग सीख लिए कि किस तरह से सेल हमारे पास क्या होता है, कि जैसे सेल क्या करेगा इसकी डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी कैसे होगी। तो याद रखेंगे सेल डिस्चार्ज कब होगा, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड जब ज्यादा इतना यूज होगा जितना अधिक से अधिक वो लीड सल्फेट का निर्माण करेगा वो सेल क्या करेगा उतना ही अधिक मात्रा में डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सेल की डिस्चार्जिंग कैपेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, सल्फ्यूरिक एसिड पे। सल्फ्यूरिक एसिड क्या कन्वर्ट होता है डिस्चार्जिंग में, लीड सल्फेट में। जितना लीड सल्फेट में चेंज होगा उतनी बैटरी क्या करेगी डिस्चार्ज करेगी। बैटरी की अब देखो हम पूरे टॉपिक को समराइज कर रहे हैं, चार्जिंग कैपेबिलिटी और डिस्चार्जिंग। अभी हम चार्जिंग चीज है अलग चीज है और डिस्चार्जिंग कहानी अलग है, अब हम आपको एक एक करके समराइज कर रहे हैं, ठीक है। डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड था जो H2SO4 था वो कन्वर्ट किस में होता है, लीड सल्फेट में। लीड सल्फेट का फॉर्मेशन जितना होगा बैटरी उतना ज्यादा डिस्चार्ज होगा। लीड सल्फेट की कंसंट्रेशन अगर लीड सल्फेट बनेगा तो मतलब H+ आयन डिस्प्लेस हो रहा है, H+ आयन डिस्प्लेस होगा तो ऐसे कंडीशन में उसकी डाइल्यूशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिसके चलते क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी डिक्रीज करेगी। पहले स्पेसिफिक कैपेबिलिटी कितनी थी H2SO4 की 1.3 ग्राम पर एमएल, बाद में कितना हो जाता है 1.2 ग्राम पर एमएल। क्यों? क्योंकि लीड सल्फेट जो पहले H2SO4 की कंसंट्रेशन हुआ H+ आयन के साथ था, बाद में किसके साथ हो गया, लीड के साथ हो गया। इसका मतलब कि H2SO4 जितना यूज होगा उतना ही हमारे पास इसकी चार्जिंग कैपेबिलिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। तो कुल मिलाजुला कर ये पूरी कंसंट्रेशन यानी पूरी कहानी जो होती है वो किस पर डिपेंड होती है, H2SO4 पर होती है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन दिया गया है कि PbS plus PbO2 H2SO4 के साथ मिलकर बनता है, जहां पर लीड सल्फेट बनता है और जहां पे आपको प्रोडक्ट में लीड सल्फेट दिखाई दे, क्या दिखाई दे, लीड सल्फेट दिखाई दे। याद रखना H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है लीड सल्फेट में, जहां पर हमें H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। गौर से समझना, जहां पर H2SO4 का फॉर्मेशन होगा वो चार्जिंग करेगा, और जहां पर लीड सल्फेट का डिक्रीज मतलब फॉर्मेशन होगा वो डिस्चार्ज करेगा। हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा कर रखना कि डिस्चार्जिंग ड्यू टू लीड सल्फेट बनेगा उतना डिस्चार्ज होगा, और इसीलिए ये रिएक्शन जो कहलाती है वह कहलाती है डिस्चार्जिंग रिएक्शन। ये है आपका डिस्चार्जिंग रिएक्शन, और ये इक्वेशन जो है ये पूरी रिएक्शन डिस्चार्जिंग रिएक्शन कहलाती है, और ये इक्वेशन जो है उसे कहते हैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन।
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम में है। बोर्ड के एग्जामों में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में डिस्चार्जिंग रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, बोर्ड के एग्जामों में डिस्चार्जिंग इक्वेशन पूछी जाती है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा हमें लीड सल्फेट का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि जितना लीड सल्फेट बनेगा उतना बैटरी डिस्चार्ज होगा, और जितना HSO4 बनेगा, नहीं H2SO4 बनेगा, HSO4 बनता है, सॉरी SO4 बनता है, नॉट H2SO4, क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में होता है। तो जहां आयंस का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, चार्जिंग होगा, और जहां पर PbSO4 बनेगा वो डिस्चार्जिंग होगा। तो जो डिस्चार्ज हुआ, PbSO4 का फॉर्मेशन हुआ, एकदम सिंपल रिएक्शन है। चार्जिंग में क्या होता है कि जो यहां पर PbSO4 बना, अब ये डिस्चार्ज हुआ, अब H2O के साथ ये रिएक्शन करना शुरू करता है, और फिर क्या बना लेता है, H2SO यहां पे फिर बना लेता है ये PbO2 और SO4। तो इसकी जो सेकंड प्रोसेस है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, हम कल जब पढ़ेंगे तो पहले हम डिस्चार्जिंग की पूरी प्रोसेस को एक बार आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद हम चार्जिंग रिएक्शन पढ़ाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैटरी का, इसलिए कल हम इस क्लास को फिर दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। सर टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करा देंगे बेटा, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, नेट के क्वेश्चन में, हम इसके टॉपिक पढ़ाने के बाद इससे हम देख रहे हैं क्यों, हम इसलिए बार बार जहां जहां नेट से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको मार्क कर दे रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हम लोग क्या करते हैं पढ़ाने के दौरान, आपको वो चीजें जहां मार्क करा रहे हैं इसे मार्क कर लो, उसे आप रट लो कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में ये पॉसिबिलिटियां हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने का। अब आपसे कोई पूछे चार्जिंग रिएक्शन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन हाँ कोई पूछे कि चार्जिंग रिएक्शन में H2SO4 का कंसंट्रेशन आता है, कितना परसेंट यूज होता है वो आता है, इलेक्ट्रोड किसके, कैथोड किसकी बनी होती है वो आता है, एनोड किसकी बनी होती है वो आता है। ये क्वेश्चन जो है ना, जो हम आपको बताते जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसको आप वहां मार्क कर लो, उसको नोट कर लो। ठीक है, हम आपको एकदम सीधे बता रहे हैं कि चैप्टर पढ़ते जाओ, और पढ़ने के तौर पर आपको जहां जहां बोले वो मार्क कर लो, उससे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आज तक कभी नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक आइडिया रहता है कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। वहीं जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम को हम भी क्रैक किए हैं, तभी MBBS कॉलेज में है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में आने का मतलब ही है कि आप उस चीज को, ये टॉपिक जो है आपको सेकंड ईयर में है, ट्वेल्थ में आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री उसमें पढ़ना है। तो आखिर मेडिकल कॉलेज में हम लोग आए हैं, तो हम लोग को पता है ना कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, और तो इसलिए जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। बहुत आसान है नीट के एग्जाम निकालना, IIT के एग्जाम निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच।